कथा में दो तीन शिक्षाएं अच्छे तरह से समझ लो। साधारण लोग का जो भावना है, क्या भावना है, अरे जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको तो दिखाई पड़ता है दुखी रहते हैं, लेकिन जो दूसरे दूसरे देवादेवी को पूजा करते हैं उनको तो दिखाई पड़ता है बड़े आनंद में रहते हैं, बड़े खुश होकर रहते हैं। अभी उन्होंने जो प्रश्न किया है ना, कुछ कुछ लोगों के अंदर ये सब प्रश्न आता है, देवादेवी को पूजा करने पर बड़े धन दौलत में रहते हैं, और जो भगवान नारायण और विष्णु कृष्ण को उपासना करते हैं राम को, वो तो बड़े दरिद्र रहते हैं। देखो यहाँ पर बहुत बड़ी एक शिक्षा है। श्री राम सुदामा जी का नाम सुने हो जी? कौन कौन सुदामा जी का नाम सुने जानते हो? लेकिन हम कहते हैं गरीब सुदामा, कहते ना क्या भजन किया है भाई, अरे द्वार पालो कन्या से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है, लेकिन उनको कहते गरीब, लेकिन उसका नाम क्या है? सुदामा। सुदामा मतलब क्या? सु मतलब बढ़िया, और दाम मतलब पैसा, चमड़ी दमड़ी कहते हैं ना, चमड़ी दमड़ी, लेकिन नाम है सुदामा, मतलब जिसको पास में बढ़िया पैसा है। देखो इनका नाम क्या? श्रीधर। क्या नाम है? श्रीधर। लेकिन क्या दिखाई पड़ता है? गरीब है। साधारण केले को बेच करके और उसका फूल पत्ते को बेच करके जीविका ऊपर से, लेकिन नाम क्या? श्रीधर। श्री मतलब लक्ष्मी, धर मतलब हृदय में जो लक्ष्मी को जो हर समय बैठा कर रखा है, जिसको पास में खूब लक्ष्मी है दोनों को, लेकिन ये दोनों को ऊपर से देखो ना गरीब, ऊपर से देखो गरीब है, लेकिन देखो सुदामा का नाम भागवत में लिखा हुआ है ना, कृष्ण जिसका मित्र है, कृष्ण जिसका मित्र है। सुदामा जी दो मुठ्ठी चिड़वा लेकर गए थे, ठाकुर जी दो मुठ्ठी खाए तो त्रिभुवन का राज्य दे दिया, त्रिभुवन का राज्य दे दिया भगवान ने उसको दो मुठ्ठी खा करके। हाँ देखो फिर क्या क्यों दिखाई पड़ता है भक्त लोग गरीब, ये चीज को अच्छा तरह समझो। कहते जो भगवान है सत्व रज तम, ये तीन गुण है, सत्व रज और तम ये तीन गुण है, लेकिन उसके ऊपर जो गुण ये निर्गुण, इसलिए जो ब्रह्मा शंकर ये सत्व रज के गुण गए, इसलिए इनको भक्ति करने से जगत का वस्तु थोड़ी बहुत मिल जाती है। जैसे रावण को मिल गया, रावण का नाम सुने कि नहीं? रावण को भी मिला था है, इसलिए लंकापति रावण है, सोने का लंका जिसको मिला, लेकिन सब खत्म हो गया। क्या दूसरे दूसरे वित्रासुर है, दूसरे दूसरे राक्षस को भी बोल देखो, उनको भी संपत्ति मिली, लेकिन सब खत्म हो गया, लेकिन सुदामा जी का नाम देखो चिरकाल के लिए अमर हो गया। लेकिन भगवान उनको निर्गुण मतलब तीनों गुण से भगवान अतीत, इसलिए भगवान उनको वो प्रेम भक्ति देना चाहते हैं, उनको भक्ति देना चाहते हैं, ये दुनिया की वस्तु देकर के उनको भुलाना नहीं चाहते। और अक्सर करके श्री माता कुंती वो क्या कहती है, बोले प्रभु चार तरह का व्यक्ति तेरा भजन नहीं करेगा। कौन भजन नहीं करेगा? चार तरह का व्यक्ति भजन, बोले कौन? बोले जन्म, जिसको उच्च कुल में जन्म हो जाए, ऐश्वर्य ज्यादा पैसा हो जाए, श्री जिसको थोड़ा सुंदर रूप हो जाए, जन्म अश्रुत जिसको थोड़ा ज्ञान हो जाए, बड़ा अभिमान है, बड़े अभिमान आ जाते भजन नहीं करते हैं, इसलिए बड़े दीन अधिक दया करें भगवान, किसको पर कृपा करते हैं दीन ही इनको पास में। अगर किसको पास में पैसा है फिर भजन करना है। भागवत में देखो अम्बरीश महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, भरत महाराज, फिर तो दिखाई पड़ता है बड़े बड़े महाराज हैं, ये तो दिखाई पड़ता है बड़े बड़े राजा महाराज, जितने भगवान के भक्तों को देखो, युधिष्ठिर महाराज सम्राट है, बड़े बड़े महाराज, पर इन लोगों ने कैसे भजन किया? कहते भगवान यहाँ पर कहते देखो, कहते कहते ना भगवान जब देते हैं छपर फाड़ कर देते हैं, जब देते हैं छपर फाड़ कर, लेकिन पहले पहले नहीं देते, बोले क्यों नहीं देते? कहते ये विषय में कहीं फंस नहीं जाए, ये विषय पाकर मेरे को भूल नहीं जाए, इसलिए ठाकुर जी कभी कभी जानबूझ कर उसको पहले नहीं देते हैं, लेकिन देते हैं। कब देते हैं? जब देखते हैं इसको हजम कर पाएगा। जैसे उदाहरण दिया, आपके दो बेटे हैं, आपके दो बेटे, लेकिन एक बेटे का पेट पतला है और एक बेटे का पेट बढ़िया है। अब मैया क्या करती है ना, जिस बेटा का पेट पतला है ना पतली पतली खिचड़ी बना करके देती है, और जिस बेटा का पेट बढ़िया उसको लड्डू कचौड़ी और बढ़िया बढ़िया चीज़ खिलाती है, बोले क्यों? बोले हजम कर पाएगा। लेकिन जिसका पेट पतला है ना उसको क्या करते, पतला पतला खिचड़ी देती है। अगर आप बोलोगे भैया एक ही मैया दोनों को क्यों दे, बोले नहीं दोनों को जो जरूरत हो वही दे रही है। कि हमारे पिता माता कौन है? भगवान। कहते ना तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें, वो हमारी पिता माता है, इसलिए वो जब देते हैं ना छप्पर फाड़ कर देंगे, जैसे सुदामा को दिया है,
अपना भक्तों को जब दिया एकदम छपरक फाड़ करके भगवान दिए हैं, ध्रुव जी को जब दिया छपरक फाड़ करके दिया, लेकिन जब देखते ही हजम नहीं कर पाएगा ना भगवान, फिर नहीं देते, बोल अभी तो हजम नहीं कर पाओगे, जब हजम कर पाओगे तेरे को फिर छप्पर फाड़ कर दूंगा। इसलिए हमें ये विश्वास नहीं रखनी चाहिए हर भगवान की भक्ति करने से गरीब रहना पड़ेगा, जो दूसरे दूसरे देवादेव को नहीं, ऐसी मत सोचो। और दूसरी बात, उनका नाम श्रीधर है, उनका नाम श्रीधर मतलब हृदय में सुदामा, जो प्रेम भक्ति को जो हृदय में धारण करते हैं, इसलिए उनका नाम सुदामा, उनका नाम श्रीधर। इसलिए ये चीज़ें हमारे अंदर में शंका नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए खूब विश्वास करके भगवान की खूब भजन करो और भगवान की खूब भक्ति करो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।